नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल म्यूजिकल एजुकेशन में। सो दोस्तों, आज हम लोग BHU BPA वर्ष 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे म्यूज़िक वोकल का। तो देखिए, 2015 में इसको BPA कोर्स को बी म्यूज कहा जाता था। उसके बाद 2015 के बाद 2016 से इसको BPA कहा जाने लगा। BPA का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो चलिए, बी म्यूज का पेपर है वर्ष 2015 का म्यूज़िक वोकल का। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ इसके नियम जान लेते हैं। देखिए, BPA के इस पेपर में अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिए जाते हैं, और एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए माइनस मार्किंग भी होती है, 1 अंक की, 1 नंबर आपका माइनस होगा। तो माइनस मार्किंग है इस बात का ध्यान देते हुए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने शुद्ध स्वर हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितने शुद्ध स्वर हैं? 7। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, 7 शुद्ध स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांगीतिक ध्वनि कहलाती है? संगीतिक ध्वनि क्या कहलाती है? नाद कहलाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, नाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तीव्र मध्यम का चिन्ह क्या है? भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तीव्र मध्यम का, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, माँ के ऊपर खड़ी लाइन, ठीक, तीव्र मध्यम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? तो नाद दिया है, श्रुति स्वर, ताल इसमें भिन्न है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ताल। ठीक, यह भिन्न है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ताल में प्रत्येक विभाग की मात्राएं भिन्न हैं? किस ताल में प्रत्येक विभाग की मात्राएं भिन्न हैं? ऑप्शन है 1 ताल, 3 ताल, 4 ताल, धमार ताल। तो इसमें धमार ताल की मात्राएं भिन्न है, ठीक, प्रत्येक विभाग की मात्राएं इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदुस्तानी संगीत में तीव्र विकृत स्वर कितने हैं? हिंदुस्तानी संगीत में तीव्र विकृत स्वर कितने हैं? 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, 1 ही है, ठीक, तीव्र मध्यम। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोमल विकृत स्वर कितने हैं? कोमल विकृत स्वर कितने हैं? तो कोमल विकृत 4 हैं, ठीक, रे, गा और धानी, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, 4 है कोमल विकृत। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वांग कौन है? पूर्वांग मतलब कि पूर्व के स्वर, सारे गामा पा, ठीक, सारे गामा पा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही क्रम, तो मा पा धा नी सा, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, मा पा धा नी सा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सम का चिन्ह क्या है? सम का चिन्ह क्या है? तो सम के चिन्ह में एक्स बना हुआ होता है, ठीक, क्रॉस, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीड का चिन्ह क्या है? तो मीड ऊपर से लाइन होती है, ऊपर से, जैसे पा रे, ठीक, पा और ऊपर चंद्राकार बनी होती है, उल्टा उल्टा चंद्राकार, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, मीड है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुषिर वाद्य कौन सा है? सुषिर वाद्य कौन सा है? तो मतलब कि सांस, सॉरी, फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य, बांसुरी है इनमें से, ठीक, बाकी सब भिन्न है, बांसुरी है, सुषिर वाद्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस समूह में षड्ज पंचम भाव है? किस समूह में षड्ज पंचम भाव है? ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा, रेपा, ठीक, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, खटका कौन सा है? खटका, तो खटका में देखिए ब्रैकेट होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, पा में देखिए ब्रैकेट बना हुआ है, तो ये खटका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, औडव राग कौन सा है? औडव राग कौन सा है? तो भूपाली, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, भूपाली है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रातःकालीन राग कौन सा है? प्रातःकालीन राग कौन सा है? भैरव, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, भैरव। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राग में मानी वर्ज्य स्वर है? किस राग में मानी वर्ज्य स्वर है?
तो भोपाली, ठीक, भोपाली इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक, भोपाली में मध्यम और निषाद वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदुस्तानी संगीत की दो मुख्य स्वर लिपि पद्धतियां कौन सी हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत की भातखंडे पलुस्कर स्वर लिपि पद्धति, ठीक, ऑप्शन नंबर दो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाद के कितने गुण हैं? नाद के तीन गुण हैं, पिच, टिम्बर, मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं, नाद का ऊंचा नीचापन, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्रुपद के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त है? ध्रुपद के साथ चार ताल प्रयुक्त है, ऑप्शन नंबर तीन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुरकी में किसने स्वर प्रयुक्त होते हैं? मुरकी में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो मुरकी में दो स्वर प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर दो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दोपहर का राग कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है, यमन, देश, खमाज, सारंग। तो सारंग क्या है? दोपहर में गाया जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर चार इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राग में गानी नहीं लगता? किस राग में गानी नहीं लगता? ऑप्शन है, खमाज, सारंग, यमन, दुर्गा। तो इसका आंसर होगा दुर्गा में गानी नहीं लगता, ऑप्शन नंबर चार इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋतु राग कौन सा है? ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में, ऋतु राग कौन सा है? देश, बिहाग, काफी, तिलंग। तो ऋतु राग काफी है, ठीक, ऑप्शन नंबर तीन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपशास्त्रीय शैली का उपयुक्त राग कौन सा है? उपशास्त्रीय शैली का उपयुक्त राग कौन सा है? ऑप्शन दिया है, सारंग, खमाज, यमन, बागेश्री। तो खमाज इसका आंसर होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर दो खमाज। क्वेश्चन नंबर 26 है, रात्रिकालीन राग कौन सा है? रात्रिकालीन राग कौन सा है? ऑप्शन है, हमीर, भैरवी, भैरव, सारंग। तो हमीर क्या है? रात्रिकालीन राग है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ताल में खाली पर सम है? किस ताल में खाली पर सम है? ऑप्शन, धमार, तीव्रा, एक ताल रूपक। तो इसका आंसर होगा रूपक, ठीक, ऑप्शन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन गायक भारत रत्न से सम्मानित है? भारत रत्न से कौन सम्मानित हैं? पंडित भीमसेन जोशी जी, ठीक, ऑप्शन नंबर तीन इसका आंसर होगा, पंडित भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सारे मापा नीसा आरोह है, देश का, खमाज का, यमन का, भोपाली का। तो ये है देश का आरोह है, सारे मापा नीसा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा स्वर समूह राग सारंग का है? राग सारंग का, तो ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा, नी पा मारे, ये स्वर समूह राग सारंग का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्रिगुण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो त्रिगुण में तीन मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर तीन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संगीत में श्रुतियां कितनी हैं? तो श्रुतियां संगीत में 22 हैं, ऑप्शन नंबर चार इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मध्यम की कितनी श्रुतियां हैं? मध्यम की कितनी श्रुतियां हैं? तो मध्यम की चार, ऑप्शन नंबर चार, चार श्रुतियां हैं, षडज मध्यम पंचमा, चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा। तो मतलब चार चार षडज मध्यम और पंचम की हैं, तो चार इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अचल स्वर कौन सा है? तो अचल स्वर पंचम है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तीव्र विकृत कौन सा है? तीव्र विकृत मध्यम है, ठीक, माँ के ऊपर लाइन खींची, ऑप्शन नंबर दो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चल स्वर कौन सा है? चल स्वर कौन सा है? तो मध्यम चल स्वर है, बाकी षडज और पंचम ये दोनों, और तार सप्तक का ये सापा, ये दो होते हैं अचल, चल है मध्यम, ऑप्शन नंबर चार इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा वाद्य यंत्र से भिन्न है? कौन सा वाद्य यंत्र से भिन्न है? तो बांसुरी, वायलिन, सारंगी, इसराज। ठीक, तो बांसुरी क्या है? फूंक कर बजाया जाता है, बाकी सब ये सब सुषिर वाद्य नहीं है, बांसुरी सुषिर वाद्य है,
वायलिन सारंगी सराज ये भिन्न है, ठीक, ये अलग है। तो इनमें से भिन्न क्या है, बांसुरी भिन्न है, ठीक। कौन सा वाद्य यंत्र अन्य से भिन्न है, तो इन तीनों से भिन्न है बांसुरी, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन अन्य से भिन्न है, तो गजल दिया है, भजन दिया है, गीत, टप्पा। तो देखिए गजल भजन गीत तो एक ही तरह है, लेकिन टप्पा भिन्न होता है, ठीक, इसकी अलग ही शैली है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वाद्यों के वर्गीकरण का सही समूह कौन सा है, तत् घन सुशीर अवनत, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा, ठीक, तत् घन सुशीर अवनत, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 है, थाट के लिए कितने स्वर आवश्यक हैं, थाट के लिए कम से कम 5 स्वर, जिसको कहते हैं ऑडव, ठीक, कम से कम 5 स्वर आवश्यक हैं थाट। थाट के लिए कितने स्वर, यहाँ पे राग होना चाहिए, राग के लिए ना कि थाट के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 है, जनक राग कौन सा है, जनक राग कौन सा है, ऑप्शन दिया है भूपाली, बिहाग, कल्याण, दुर्गा। तो कल्याण क्या है, जनक राग है, कल्याण थाट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है, जन्य राग कौन सा है, जन्य राग, तो भैरव, कल्याण, भैरवी ये जनक राग है, लेकिन बिहाग जन्य है, ठीक, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गंधार निषाद कोमल युक्त थाट कहलाता है, जिस थाट में ग और नी कोमल हो, ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, काफी है, ठीक, काफी में ग और नी कोमल होता है, काफी थाट। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44, क्रमिक पुस्तक मलिका के लेखक कौन है, पंडित भातखंडे जी हैं, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रणव भारती के लेखक कौन है, प्रणव भारती के लेखक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का के संस्थापक कौन थे, तो मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ओमकारनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंडित वी डी पलुस्कर के गुरु कौन थे, तो वी डी पलुस्कर के गुरु पंडित बालकृष्ण बुआ ईशल करंजीकर थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48, किस गायक द्वय ने फिल्म सुर संगम में गाया, तो पंडित राजन साजन मिश्र ने सुर संगम में अपनी सुर संगम मूवी में अपनी आवाज़ दी, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, पंडित राजन साजन मिश्र। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस तबला वादक ने फिल्मों में तबला वादन किया था, किस तबला वादक ने फिल्मों में तबला वादन किया था, तो तबला वादक इसमें तो एक ही है, बाकी सब गायक और सितार वादक। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको जैसे इसका आंसर आपको ढूंढना है, तो इसमें दिया है प्रश्न है, किस तबला वादक ने फिल्मों में तबला वादन किया, और ऑप्शन में क्या दिया है, पंडित गुदई महाराज, तो ये तबला वादक हैं, ठीक, पंडित जसराज ये शास्त्रीय गायक हैं, पंडित रविशंकर ये क्या हैं, ये सितार वादक, और पंडित भातखंडे, तो भातखंडे क्या हैं, स्वरलिपि पद्धति रचना की और गायक भी हैं, तो तबला वादक गुदई महाराज ही हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गुदई महाराज इसमें आंसर लगेगा, इन्होंने फिल्मों में तबला वादन किया। और अगर अन्य अन्य तबला वादकों का भी नाम होता तो उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से जो होते तो फिर उसमें आंसर होता, ठीक, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर एक है, पंडित गुदई महाराज। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में शास्त्रीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं, भारत में शास्त्रीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं, 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सोहर प्रकार है, सोहर किसका प्रकार है, लोक संगीत का, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है, बनारस घराने के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, बनारस घराने के कौन है, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, पंडित छन्नूलाल मिश्र बनारस घराने के हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, झंडूबाम के विज्ञापन में से कौन संबद्ध हैं, झंडूबाम के विज्ञापन में नर्तक बिरजू महाराज जी हैं, ठीक,
तो वो एड में हैं, वो डांस करते हैं और उसमें बताते हैं कि बिना थके ताल वगैरह। तो झंडूबाम के विज्ञापन से पंडित बिरजू महाराज संबंधित हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, संगीत के क्षेत्र में कौन महिला भारत रत्न है? संगीत के क्षेत्र में कौन महिला भारत रत्न है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं। ठीक, ये संगीत के क्षेत्र में प्रथम भी हैं और इसमें इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो ही गया, लेकिन ये प्रथम भारत रत्न हैं संगीत के क्षेत्र में, प्रथम महिला। क्वेश्चन नंबर 55, फिल्म संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न कौन है? तो ऑप्शन दिया लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना मंगेशकर, ये चारों बहनें ही हैं। तो लता मंगेशकर इसका आंसर होगा, इनको भारत रत्न मिला है, लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला, लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 है, 2014 में किस गायिका को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन दिया बेगम अख्तर, विदुषी गिरिजा देवी, परवीन सुल्ताना, किशोरी अमोनकर। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, बेगम परवीन सुल्ताना। ठीक, इनको 2014 में पद्म भूषण मिला। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा राग आशावरी थाट का है? कौन सा राग आशावरी थाट का है? ऑप्शन दिया यमन, जौनपुरी, बिहाग, भूपाली। तो जौनपुरी क्या है आशावरी थाट से, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, दोनों गंधार युक्त राग हैं, दोनों गंधार युक्त जिसमें दोनों गा यूज़ हों, तो जय जयवंती में है ऐसा। ठीक, दोनों का यूज़ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सा गायक मेवाती घराना से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं? तो पंडित जसराज जी मेवाती घराना से हैं। ठीक, क्लासिकल सिंगर हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, पंडित जसराज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 है, नाट्य संगीत किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल। तो नाट्य संगीत महाराष्ट्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, महाराष्ट्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है, भटियाली है, भटियाली बंगाल की लोक शैली है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, बंगाल की लोक शैली है भटियाली। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 के बाद 62 है, किस राग में गंधार धैवत वर्ज स्वर है? किस राग में गंधार धैवत वर्ज स्वर है, ग और धा वर्जित है? तो ऑप्शन दिया यमन, हमीर, सारंग, दुर्गा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62, तो इसका आंसर होगा सारंग में ग और धा वर्जित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा सारंग। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस राग में विभाग 2-3-2-3 है? 2-3-2-3 धीना धी धीना, तीना धी धीना। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 झपताल है, ये 10 मात्रा की ताल है। ठीक, 2-3-5-2-3-5, ठीक, तो 10 मात्रा की ताल झपताल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा ताल समूह समान मात्राओं का है? कौन सा ताल समूह समान मात्राओं का, रूपक तीव्रा समान मात्रा का है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस ताल में विभाग 3-4-3-4 का है? 3-4-3-4, तो 3-4-7-7-14 मात्रा हो गई, तो कौन सा ताल है? दीपचंदी। ठीक, दीपचंदी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, दीपचंदी। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस ताल में दोनों निषाद लगते हैं? किस ताल में दोनों नी लगते हैं? ऑप्शन दिया यमन, दुर्गा, भूपाली, तिलंग। तो दोनों नी लगते हैं तिलंग में, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा हिंदी फिल्म का एक नाम है? हिंदी फिल्म का नाम बैजू बावरा नाम की एक मूवी आई थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, बैजू बावरा। क्वेश्चन नंबर 68 है, संगीत में प्रथम पद्मश्री कौन था? संगीत में प्रथम पद्मश्री कौन था? मल्लिकार्जुन मंसूर जी, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, मल्लिकार्जुन मंसूर। क्वेश्चन नंबर 69 है, साधा पा मा रेसा किसका आरोह है, अवरोह है, सॉरी किसका अवरोह है? ऑप्शन दिया है भोपाली, दुर्गा, सारंग, देश। ठीक, तो इसका आंसर होगा दुर्गा का, ये अवरोह है, ऑप्शन नंबर 2 दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निरर्थक शब्दों द्वारा किस गायन विधा की रचना हुई है? निरर्थक मतलब कि इसमें कोई शब्द नोम तोम का यूज़ होता है, कोई शब्द नहीं होते, वो ऐसे निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक, तो तराना है, सरगम, ऑप्शन दिया है सरगम की, तराना, होली, कजरी, तो इसका आंसर है तराना। ठीक, तराना में निरर्थक शब्द यूज होते हैं नोम तोम ऐसे करके। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है तराना। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राग में प्रयुक्त स्वरों द्वारा किस विधा की रचना हुई, सॉरी किसी राग में प्रयुक्त स्वरों द्वारा किस विधा की रचना हुई? तो देखिए, राग में प्रयुक्त स्वरों से
सरगम गीत की रचना, ठीक, सरगम गीत स्वरों द्वारा राग को प्रेजेंटेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है, सरगम गीत। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है, फाल्गुन मास में कौन सी लोक शैली गाई जाती है? फागुन माह में फगुआ गाया जाता है, सॉरी फागुन माह में होली होती है, ठीक, फगुआ, होली। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा होली। क्वेश्चन नंबर 73 है, विशेषतया मिर्जापुर से कौन सी लोक शैली जुड़ी हुई है? मिर्जापुर से कौन सी लोक शैली जुड़ी हुई है? मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, ठीक, तो उत्तर प्रदेश में कजरी, ठीक, मिर्जापुर में बहुत फेमस है कजरी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है कजरी। क्वेश्चन नंबर 74 है, रिम्पा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 74 है, रिम्पा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन दिया है पंडित रविशंकर, पंडित विजय शंकर, पंडित उदय शंकर, पंडित अजय शंकर। तो इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन थी, तो इसका आंसर आप अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएं, क्योंकि मुझे इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है? प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है चंडीगढ़, वाराणसी, सूरत, सूरतगढ़ और लखनऊ। तो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ में है, पंजाब में, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ठीक, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 76 है, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? ऑप्शन दिया है चंडीगढ़, वाराणसी, सूरतगढ़, लखनऊ। तो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 77 है, संगीत प्रभाकर की डिग्री कहाँ दी जाती है? डिग्री है तो प्रयाग संगीत समिति में संगीत प्रभाकर की डिग्री दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, प्रयाग संगीत समिति। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्वतंत्रता दिवस 1947 को आकाशवाणी से किसने वंदे मातरम गाया था? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने गाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 79 है, जनगण मन के लेखक कौन थे? ऑप्शन दिया प्रदीप, बंकिम चंद्र, इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जनगण मन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 है, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? ऑप्शन दिया है प्रदीप। ऑप्शन नंबर 1 प्रदीप, दूसरा बंकिम चंद्र, तीसरा इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र जी थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, बंकिम चंद्र। क्वेश्चन नंबर 81 है, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा के लेखक कौन थे? ऑप्शन दिया प्रदीप, बंकिम चंद्र, इकबाल और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सारे जहाँ से अच्छा के लेखक इकबाल थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, इकबाल। क्वेश्चन नंबर 82 है, ए मेरे वतन के लोगों के लेखक कौन थे? ऐ मेरे वतन के लोगों के लेखक कौन थे? ऑप्शन दिया प्रदीप, बंकिम चंद्र, इकबाल और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रदीप थे, ठीक, ऐ मेरे वतन के लोगों के लेखक प्रदीप थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, HMV का पूरा नाम क्या है? HMV, तो HMV क्या है? ये पुराने ज़माने का कैसेट घूमता रहता था, एक प्लेट की तरह होता था जो कि घूमता रहता था, इससे गाना बजता था। इसका फुल फॉर्म क्या है? हिज मास्टर्स वॉयस, ठीक, हिज मास्टर्स वॉयस। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, हिज मास्टर्स वॉयस, HMV। आप देखेंगे HMV प्लेट की तरह होता है, घूमता रहता है और उसमें एक चोंगा की तरह खुला हुआ होता है, और फोटो में अगर देखे होंगे तो फोटो में कुत्ता भी उसके सामने सुन रहा होता है, वही है HMV, ठीक। इसका फुल फॉर्म हिज मास्टर्स वॉयस है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया चंडीगढ़, सूरत, खैरागढ़, रामगढ़। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, खैरागढ़। क्वेश्चन नंबर 85 है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन है जयदेव, रामदेव, सारंगदेव, शंकरदेव। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, बनास घराना के सारंगी वादक कौन थे? बनास घराना के सारंगी वादक कौन थे? ऑप्शन दिया है पंडित नारायण मिश्र, उस्ताद कमाल सावरी, पंडित ब्रजभूषण मिश्र और चौथा आंसर ऑप्शन है उस्ताद इकबाल अहमद खान। तो बनास घराने के सारंगी वादक, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, अगर इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक। पंडित बनास घराने के सारंगी वादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन ध्रुपद गायक थे? कौन ध्रुपद गायक थे? तो पंडित सियाराम तिवारी जी ध्रुपद गायक थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, पंडित सियाराम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस ताल में खाली नहीं है? किस ताल में खाली नहीं है? ऑप्शन दिया एक ताल, चार ताल, तीव्रा और धमार। तो किस ताल में खाली है नहीं?
तो धमार में नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस ताल में चार ताली है, किस ताल में चार ताली है? तो ऑप्शन दिया है एक ताल, रूपक ताल, तीव्रा, तीन ताल। तो एक ताल में चार ताली है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है? माइक्रोफोन, सैक्सोफोन, हेडफोन, सेलफोन। देखिए म्यूजिक से रिलेटेड है माइक्रोफोन, सैक्सोफोन, हेडफोन, लेकिन सेलफोन क्या है? ये सेलफोन मतलब कि बात करने वाला यंत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ये भिन्न है इन सबसे। क्वेश्चन नंबर 91 है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के शिष्य कौन थे? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एन राजन, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एन राजन, राजम, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ये इनके गुरु गुरु थे ओमकारनाथ ठाकुर जी। क्वेश्चन नंबर 92 है, राग भीम पलासी का आरोह क्या है? राग भीम पलासी का आरोह क्या है? तो नी सा ग म प नी सा, कोमल नी, कोमल गा, कोमल नी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक। कोमल गा, कोमल नी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, नी सा ग म प नी सा। क्वेश्चन नंबर 93 है, तीन ताल का ताल चिन्ह क्या है? तीन ताल का ताल चिन्ह क्या है? तो धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा धा। यहाँ पे ताली एक मात्रा पे ताली, पाँच पे ताली और 13, एक पाँच 13 पे ताली और खाली है नौवीं मात्रा पे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, एक पाँच 13 पे ताली है और खाली मतलब खाली में जीरो बना हुआ होता है और धा पे सम दिखाया है एक्स, तो धा एक ताली हो गई, फिर धिन धिन धा, फिर धा पाँचवीं मात्रा, फिर 13वीं मात्रा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक। तीन ताल, तिलवाड़ा ताल, इन दो तालों में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, 16। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस घराना का भारत रत्न, किस किराना घराना का भारत रत्न कौन है? तो किराना घराना पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से हैं, इनको भारत रत्न भी प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, पंडित भातखंडे का पूरा नाम क्या है? पंडित भातखंडे का नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 शुद्ध थाट कौन सा है? शुद्ध जिसमें सारे स्वर शुद्ध होते हों। ऑप्शन दिया काफी, कल्याण, बिलावल, भोपाली। तो सारे स्वर शुद्ध बिलावल में होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस थाट में केवल एक स्वर तीव्र विकृत है? किस थाट में? तो कल्याण में मध्यम तीव्र होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर मध्यम तीव्र विकृत है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, कल्याण, कल्याण में तीव्र मध्यम यूज है। क्वेश्चन नंबर 99 है, संगीत कार्यालय हाथरस के संस्थापक कौन है? संगीत कार्यालय हाथरस के संस्थापक काका हाथरसी हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, काका हाथरसी। लास्ट क्वेश्चन है, किस राग में पंचम वर्ज्य है? किस राग में पंचम वर्ज्य है? मालकौंस, तिलंग, बिहाग, भोपाली। तो पंचम वर्ज्य है मालकौंस में, ठीक। इसमें मध्यम का यूज़ होता है। अगर हम तानपुरे पे भी मिलाते हैं तो, या फिर हारमोनियम पे कॉर्ड लेते हैं तो सा और माँ का लेते हैं, ठीक। इसमें पंचम वर्ज्य है जैसे पा का यूज़ नहीं होता, और तानपुरे को मिलाते हैं तो माँ से ही मिलाते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, मालकौंस। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए अपने सहपाठियों में। और आप लोगों को आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।